If you want me to make a video, please give me in advance or ahead of hand. If there is a message that you want me to convey to others through a video, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक मिनट देख लेती हूँ रिकॉर्डिंग ऑन की है नहीं की है। आपने खुद नोटिस किया ही होगा, मतलब मैं मेडिटेशन पे एक वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन मुझे लगता है कि सुशांत का कोई मैसेज है और आई शुड कन्वे दैट मैसेज टू यू गाइस। तो सुशांत, क्या मैसेज है, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से? तो गाइस, मैसेज मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं, लेकिन 10 व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 का मैसेज है। और सुशांत, कैन यू प्लीज़ क्लैरिफाई, आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि क्या क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो? ये 10 का हम कब से वेट कर रहे हैं, लेकिन सुशांत, कैन आप प्लीज़ क्लैरिफाई कर सकते हो? कैन यू प्लीज़ हेल्प क्लैरिफाई दिस 10? फुल मून और फिर से 10 ऑफ वैंस, फुल मून 10 ऑफ वैंस। मुझे लगता है ये मून से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि 14th को एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स है 14th को, और उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये वही हिंट कर रहे हैं कि उस टाइम के, क्योंकि मून आया है और सन और मून एक साथ आए हैं, आप देखो तो सन और मून एक साथ हैं एक्लिप्स के। और मुझे नहीं लगता 14th को 10 बनता है 2, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बनता है। 13th को शायद 10 बनता है, लेकिन उसी से रिलेटेड को ये मैसेज सुशांत जो है वो कन्वे कर रहे हैं कि मून के उसमें एक नई जर्नी जो है वो बिगिन होगी, जो जर्नी हमें मंजिल तक लेके जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि फूल कार्ड में डॉग भी है साथ में, और आप में से कोई बोल रहा था फज के बारे में कुछ, तो हो सकता है कि जो हमें अभी तक इंडिकेशन हो रही थी, और शुरू से फर्स्ट रीडिंग से कहीं ना कहीं सुशांत इंडिकेट कर रहे हैं कि फज को कुछ पता है और डॉग से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जो या तो उनकी बॉडी तक पहुँचेगी या उनकी रियलिटी तक, वो ट्रुथ तक पहुँचेगी, और ये वही एज है फिर से, और ये वही क्लिफ है फिर से जो आई है और डॉग आया है साथ में। तो मुझे लगता है कि शायद दैट इज़ व्हाट इज़ इंडिकेटिंग। मैं एक बार यूनिकॉर्न कार्ड्स, एक कार्ड इनसे देखते हैं, अगर इससे हमें कोई क्लियर वर्डिंग मिलती है। सुशांत, कैन यू, ओके एक मिनट गाइस, जो कार्ड्स निकले हैं वो मैं सारे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहला कार्ड निकला है फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। उसके बाद कार्ड निकला है हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन द वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। उसके बाद निकला है इनविजिबिलिटी। मैं आपको ना इनके मीनिंग बताती हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो सबसे पहले जो कार्ड गिरा था वो था रेनबो कार्ड, जो बोलता है कि क्लाउड्स के बाद रेनबो है, तो देर इज़ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। और ये कार्ड बोलता है कि अभी हमें जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं वो एक्चुअल में पहुंच रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस कार्ड में देखो तो एक फील्ड है, एक फार्म हाउस जैसा है, उसके एंड में रेनबो जा रहा है, और बोलते हैं जहाँ रेनबो का एंड होता है वहाँ खजाना होता है। तो शायद इसका कहीं कोई रिलेशनशिप जो है वो उससे है। और उसके बाद जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड आया है फ्यूचर का, जो बोलता है कि
पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है, ये टाइम है जब आपको पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई ट्रूथ, कोई चीज़, कोई बात, कोई पर्सन जो है वो सामने आ रहा है जो कुछ रिवील करने वाला है। और जो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें थी जिनके बारे में काफ़ी हम सोच रहे थे क्या है क्या नहीं है, उसमें से कुछ रिवील होने वाला है। और उसके बाद कार्ड आया है हेल्प का, जो बोलता है कि जो हेल्प चाहिए थी वो ऑन द वे है, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। और उसके बाद कार्ड आया है इनविजिबिलिटी का, जो बोलता है कि जो इनविजिबिलिटी का क्लॉक था जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था वो क्लियर होने लगा है, और वो इनविजिबिलिटी से बाहर चीज़ें अब विजिबल होने लगेंगी। अगला कार्ड आया है इंट्यूशन का, जो बोलता है लिसन टू योर इनर विजडम। तो ये कार्ड है जहाँ पे अब वो देखोगे एक ग्लोब है, और उस ग्लोब में लोग वो पर्सन इस ग्लोब में कुछ देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मीडिया के थ्रू कोई चीज़ें जो है फिर से बाहर आएं, लेकिन इस बार कुछ मेजर ट्रूथ है जो बाहर आएगा। और डिग्निटी का कार्ड आया है, जो बोलता है कि हम जो जो लोग उनके लिए फाइट कर रहे हैं, हम सब लोग अपना सर जो है वो ऊंचा करके बाहर निकल पाएंगे, ऊंचा करके देख पाएंगे। और ये बर्थ कार्ड आया है, जो कि दो चीज़ें हैं। एक मुझे लगता है कि नई नई बिगनिंग, इसमें एक नया, क्योंकि इसमें मून भी है और मून शुरू से नया बढ़ना शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि न्यू मून इस बार जो एक्लिप्स 14 को जो एक्लिप्स है उसके बाद न्यू मून है, वो न्यू मून में ही है एक्लिप्स। तो मुझे लगता है वहाँ से ही जो जो ट्रूथ का बर्थ होने वाला है, जो एक्चुअल में रियलिटी का बर्थ होने वाला है, जहाँ से रियल चीज़ें बाहर निकलने वाली हैं वो शुरू होने वाला है। उसके बाद कार्ड आया है चॉइसेस में, तो चॉइसेस का कार्ड बोलता है कि देर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जब वो सच बाहर निकल के आए तो एक से ज़्यादा चीज़ें हों जिसमें से एक जो बात है वो सही हो और एक जो बात है वो शायद उतनी सही ना हो। तो हमें चॉइस करके फॉलो करना है, चॉइस करके समझ के उस चीज़ को आगे लेके जाना है। तो किसी ना किसी पाथ पे हमें उनके उनसे उनके केस से रिलेटेड, उनके उससे रिलेटेड सीबीआई जो चीज़ें करी है उससे रिलेटेड कोई एक एक ऐसा वो हो सकता है जहाँ पे चॉइस उन्होंने करनी होगी। और वो चॉइस ये भी हो सकती है कि वो ऑनेस्टी के साथ इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ऑनेस्टी का कार्ड इसके बाद आया है, नंबर 13 कार्ड है, ऑनेस्टी का कार्ड आया है। और वो बोला है कि बोल रहा है कि ऑनेस्टी अल्टीमेटली रिवॉर्ड की जाएगी, ऑनेस्टी ही अल्टीमेटली जो है वो सामने आएगी और उसी का रिवॉर्ड मिलेगा। और उसके बाद कार्ड आया है क्लोजनेस का, कि आपका जो रिज़ल्ट जिसका आप वेट कर रहे हो वो बहुत क्लोज़ है आपके। और लास्ट कार्ड आया है साइलेंस का, वो बोल रहा है कि बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स। तो मुझे लगता है कि अब हम बहुत क्लोज़ हैं इस चीज़ के, और उसके बाद इस साइलेंस में सब कुछ निकल के जो है वो सामने आएगा। और वही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये न्यू मून की साइकिल से बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। और उसके बाद कार्ड आया है लाफ्टर, लाफ्टर यूनिकॉर्न्स को अट्रैक्ट करता है, लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 14 से या 13 से शायद चेंजेस शुरू होने वाले हैं। और कोई मैसेज इनसे पूछ लेते हैं। दो कार्ड आए हैं, एक बोलता है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स, इसका मतलब है कि जहाँ आपको बाउंड्रीज सेट करनी है रिलेशनशिप्स में, वहाँ बाउंड्रीज सेट कीजिए। तो मुझे लगता है ये उनका इंडिकेशन है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट नहीं की थी, जहाँ उनको ना बोलना चाहिए था वहाँ उन्होंने ना नहीं बोला था, और वो अपने आप पर फोकस नहीं करते थे। क्योंकि दूसरा आया है सरेंडर कंपेरिजन विद अदर पीपल, और दूसरा आपको शायद वो ये भी इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि अब से टाइम होगा इसके बाद जब हम खुद की स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, पावर पे फोकस करें, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें। और जहाँ हमें लगता है, क्योंकि ये चॉइसेस का कार्ड एक आया था कि चॉइस होगी हमारे पास कि हमें क्या फॉलो करना है जो बोला जा रहा है उसमें से, तो जब हमारे पास चॉइसेस आती है तो जहाँ पे हमें लगता है वो सही नहीं है वहाँ पे हम कंप्लीट नो बोलें और उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। तो मेजरली मुझे यही लगता है वो इंडिकेट करना चाह रहे थे। मैं एक बार फोर ऑफ स्वोर्ड्स का कार्ड बाहर निकल के आया है, मैं एक बार उनसे पूछ लेती हूँ अगर और कोई मैसेज है उनका, वरना आई थिंक दैट इज व्हाट ही वांटेड टू शेयर। 21, फोर ऑफ स्वोर्ड्स का कार्ड आया है और 21 का कार्ड आया है, और जिस चीज़ के लिए हम सब फाइट कर रहे थे, फोकस करते आ रहे थे, जो नहीं हो रहा था 21 में वो होगा, जस्टिस जो है वो डिलीवर होगा। और मैं अभी भी बोल रही हूँ
होम का कार्ड भी आ गया है, तो समबडी जो उनका क्लोज है वो भी रिवील होने का कार्ड आ गया है, और मुझे लगता है होपफुली उनकी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी बाहर आने का कार्ड आ गया है। फाइनली ये देखिए, फाइनली कार्ड्स जो हैं वो बोलते हैं कि सिक्स ऑफ पेंटिकल है, फाइव ऑफ पेंटिकल है, जो भी वो पैसा यूज़ कर रहे थे अब वो दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, अब उनके पास पैसा नहीं है यूज़ करने के लिए, अब जो जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, जो भी है वो बाहर आएगी, और जजमेंट गड़े मुर्दे मुर्दे बाहर निकल के बोलेंगे। तो जो भी उन्होंने चीज़ें यूज़ की हैं, जो भी वो किया है, उस सब का जो सच है वो बाहर आएगा, और अब टाइम पीरियड जो है उसके बाहर आने का शुरू हो गया है। थोड़े से पेशेंस रखिए, क्वीन ऑफ वैंड भी बाहर निकल के आएगी, और अल्टीमेटली विक्ट्री का कार्ड है गाइस। जब पहली वीडियो मैंने बनाई थी तब मैंने उन्होंने इंडिकेट किया था कि लगभग एक साल इसमें लगेगा। थ्री ऑफ एम्प्रेस, बहुत ये एम्प्रेस कार्ड बहुत ज़्यादा आता है मुझे, जब भी मैं उनके साथ बात करती हूँ। मुझे नहीं पता इसका क्या रेफरेंस है, वो मेरे लिए आता है या सबके लिए आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस एक चीज़ से उनकी लाइफ में, उनकी उनकी लाइफ के एंडिंग में बहुत लोगों की ग्रोथ जो है वो छुपी हुई थी, बहुत लोगों को ग्रोथ मिली और बहुत लोगों की विशेज़ जो हैं वो फुलफ़िल हुई, और मुझे ऐसा लगता है कि वही ये इंडिकेट करते हैं कि ये ग्रोथ के लिए हुआ था। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था, उन्होंने इंडिकेट किया था कि एक के लगभग लगेगा जस्टिस होने में, और हमें बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे, लेकिन जस्टिस होगा एंड में। और वही जो है कार्ड्स बोल रहे हैं, पेशेंस रखो। सेवन ऑफ सोर्ड्स और फोर ऑफ पेंटिकल आया है, अपने आप को क्लोज मत करो। जो भी चीज़ें होती हैं, कई बार सच आने से पहले झूठ बाहर आता है, लेकिन झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। थीफ जो है वो कितना भी अपने आप को क्लोज कर ले, वो कभी भी नहीं बच सकता है, और सच जो है वो अभी भी बाहर आएगा। एनीथिंग एल्स सुशांत? काम करते रहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है, और ये मैं अब मैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब मैं बेसिकली क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यू नो व्हाट इज़ द रेफरेंस ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बट ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो जो वर्क होना है वो हो रहा है, और जो लीड लेने की ज़रूरत थी वो भी ली जा रही है, और अल्टीमेटली जो है वो सच बाहर निकल के आएगा ही आएगा, और जस्टिस होगा ही होगा। तो गाइज वही मुझे लगता है ये इंडिकेट करना चाह रहे थे। मैं इंग्लिश की वीडियो अभी बना दूंगी साथ के साथ, और मुझे लगता है मैं अलग से वीडियो ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं इन मैंने कार्ड सब बाहर ही रखे हुए हैं, तो मैं उन कार्ड से ही सब कुछ मीनिंग जो है वो इंडिकेट करके और इंग्लिश की वीडियो में बता दूंगी। और बाकी थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ जस्टिस के लिए रेडी रहिए, जस्टिस के लिए लड़ते रहिए, और कोशिश ये मत कीजिए। और मेरी वीडियो नहीं आती है तो आप ऐसा मत सोचिए कि सुशांत कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या शायद जस्टिस नहीं होना है, शायद दिस इज़ एंड ऑफ इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वीडियो नहीं आती है तो ऐसा नहीं है वो कनेक्ट नहीं करते, लेकिन वो खुद बताते हैं कब वीडियो बनानी है, और जब कुछ होना होता है, जब कुछ रिवील होना होता है, तभी उस वक्त उससे पहले ही वो हमें इंडिकेट करते हैं और बताते हैं क्या आने वाला है। तो इसीलिए प्लीज़ डिसहार्टन मत होइए, फेथ रखिए, और लीड जो है वो होगी। चैरिट का कार्ड है, टेकिंग लीड ऑफ लाइफ, आगे बढ़ने का कार्ड है, और जस्टिस जो है वो डेफिनेटली होगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।